हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। सेंट्रल गवर्नमेंट की बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस वैकेंसी की सबसे अच्छी बात क्या है कि आप लोग केवल अपने ही राज्य में नौकरी कर सकते हैं, आप दूसरे स्टेट में जाकर जो है जॉब नहीं कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन जो है केवल 10th मांगी गई है, या फिर 12th भी आप पास हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। SC ST PWED कैंडिडेट की मात्र 50 रुपीज़ फीस रखी गई है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, आप अपने ही राज्य में जो है नौकरी कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं डिटेल में एडवर्टीजमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की तरफ से जो है वैकेंसी है। ऑफिस अटेंडेंट का पद है और इसमें 2 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर 2024 तक जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन आपके राज्य की कितनी है वो आप देख सकते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र राज्य के यदि आप हैं कैंडिडेट तो अनरिजर्व कैटेगरी में इसमें 10 सीट हैं और 8 वैकेंसी जो कि ST कैटेगरी की हैं, 14 वैकेंसी OBC की है और EWS के 3 वैकेंसी हैं। टोटल इसमें 35 पद हैं। और भी देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 54 हैं। जितने भी राज्य की वैकेंसी है 108 जो है यहाँ पर 54 जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं और 108 जो है कुल पदों पर ये परमानेंट वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ठीक है। इसमें वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, ओडिशा, न्यू दिल्ली, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला, कर्नाटक, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़, बिहार, अरुणाचल प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। तो ये राज्य हैं और आप अपने ही राज्य में आवेदन कर पाएंगे, दूसरे राज्य में नहीं कर सकते। बैकलॉग जो वैकेंसी हैं वो महाराष्ट्र में OBC कैटेगरी की 2 हैं, SC की, ST की 8 हैं। ओडिशा राज्य में 1 वैकेंसी ST कैटेगरी की है, UP में OBC की 1 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें है कि आप जो हैं 10th पास होने चाहिए, ठीक है। 10th जो है आपके पास क्वालिफिकेशन हो और आप जो है उस राज्य के या उस यूटी के जो है निवासी होने चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है आपका होना चाहिए। आप जिस भी राज्य के कैंडिडेट हैं उसी राज्य से आपने 10th पास की हो। अगर आपने 12th भी पास की है तो और भी बेहतर रहेगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप जो है ग्रेजुएशन आपने किया है या हायर क्वालिफिकेशन आपने गेन की है तो आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को आपको अच्छे से समझ लेना है कि यहाँ पर जो कैंडिडेट 10th पास कर चुके हैं और जिनका अभी 12th पास हुआ है केवल वही आवेदन कर पाएंगे। दूसरी बात इन्होंने लिखी है कि आपका 10th या 12th उसी राज्य का जो है होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी जो है उसी राज्य का होना चाहिए जिसमें आप आवेदन करना चाहेंगे। उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष है। आयु सीमा में जो है यहाँ पर छूट SC ST को, उसी राज्य के SC ST को 5 साल की यानी 35 वर्ष तक के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। OBC 33 साल, PWED 13 साल, जनरल कैटेगरी 10 साल है, OBC 13 साल है और SC ST 15 साल है। विडो, डिवोर्स्ड वुमेन जो है इनका 10 साल की छूट रहेगी। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया कि आप केवल अपने ही राज्य में जो वैकेंसी है उसी में आवेदन कर सकते हैं, 10th पास हैं या 12th पास हैं। इससे हायर क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, तो इसमें 120 मार्क्स का आपका यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट रहेगा। रीजनिंग, इंग्लिश, GK, मैथ्स आपकी रहेगी। उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, तो आप जिस राज्य के हैं वहाँ की जो है भाषा आपको आए, तो ये चीज़ इसमें आप इन्होंने चेक करनी है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है क्या रहेगा वो सारी चीज़ें इन्होंने इसमें बता रखी है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी फाइनल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। चलिए ये डिटेल में मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। 27 पेजेस की PDF फाइल है, हाईलाइट कर दिया है जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एप्लीकेशन फ़ीस जो है केवल 50 रुपये SC ST PWED एक्स सर्विसमैन के लिए है, बाकी जो कैटेगरी है उनकी 500 रुपीज़ फीस है। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होगा, तो आपके राज्य में ही आप फिल करेंगे।
फॉर्म, और आपके राज्य में ही जो है आप लोगों को एग्ज़ाम देने को मिलेगा। जैसे हरियाणा में हिसार, फरीदाबाद, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, अम्बाला है, ठीक है, और राजस्थान के हैं अगर तो अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर, हनुमानगढ़, भरतपुर हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अगर हैं आप तो आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, प्रयागराज, बरेली, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और वाराणसी, तो यहाँ पर जो है आपका सेंटर रहेगा। पे स्केल जो है यहाँ पर क्या लिखा है, स्टार्टिंग जो बेसिक पे रहेगी आपकी वो 10,940 है, ठीक है। बाकी जो है आप देख सकते हैं ये सारे ग्रुप सी की पोस्ट है, ये सारी जो है जो भी अन्य भत्ते होते हैं सरकारी, हाउस रेंट अलाउंसेस है और डियरनेस अलाउंसेस है, ये सारे जो है मिलाकर जो है आपकी यहाँ पर अप्रोक्स 35,000 आपकी सैलरी बनेगी। परमानेंट जॉब है 35,000 सैलरी, ठीक है, और आप जानते ही हैं गवर्नमेंट परमानेंट वैकेंसी जो है आज के टाइम पे कितनी इम्पोर्टेंट है। कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, ऑफिशियल वेबसाइट ये रही, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस करनी है, फोटोग्राफ सिग्नेचर स्कैन अपलोड करने हैं, 2 अक्टूबर से 21 अक्टूबर लास्ट डेट है। ये पूरा पढ़ लेंगे अगर आप अप्लाई करेंगे तो, अप्लाई करने से पहले आप देख लेंगे, स्कैन देयर फोटोग्राफ इतना होना चाहिए, सिग्नेचर विद ब्लैक इंक, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे जब आप अप्लाई करेंगे। चलिए, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया जाएगा, नहीं तो आप गूगल पे खुद भी सर्च कर सकते हैं nabard.org, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।